डबल मर्डर से दहला मुरादाबाद, पिता पुत्री की हत्या। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में डबल मर्डर होने से शहर दहल गया। बंद कमरे में बाप और बेटी की धारदार हथियार से हत्या कर आरोपी दोनों के शवों को छोड़ फरार हो गए। जैसे ही पुलिस को मर्डर की सूचना मिली तो मुरादाबाद कप्तान माइक फोर्स के मौके पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड के साथ तहकीकात शुरू की। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए साक्ष्यों को मिटाने का भी प्रयास किया है। परिजनों के मुताबिक इन हत्याओं में सपा और कांग्रेस के नेता शामिल। दरअसल डबल मर्डर का मामला है जनपद के थाना नागफनी क्षेत्र का। नागफनी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर के बंद कमरे में बाप और बेटी के खून से लथपथ शव मिले। आसपास के लोगों ने जब मामले की सूचना पुलिस को दी तो एसएसपी मुरादाबाद में फोर्स के घटनास्थल पर पहुंचे और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू की। शुरुआती जांच में मामला पुरानी रंजिश को लेकर बताया जा रहा है, क्योंकि आरोपियों ने साक्ष्यों को मिटाने का भरसक प्रयास किया है। तो वही एसएसपी प्रभाकर चौधरी की माने तो उनका कहना है कि दोनों के शरीर पर चोटों के भी निशान हैं और गुमराह करने के लिए इस हत्या की वारदात को इस तरह से अंजाम दिया है कि फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। मेरा नाम सूफी जवाद हुसैन अहले बैती, पुत्र सुहरगे इशरत हुसैन। ये पहले से भी इन्होंने करा, नासिर कुरैशी का मर्डर किया। ये राजनेता जो नेता लोग हैं, कांग्रेसी कुत्ते और समाजवादी वाले, ये कराते हैं, मिले हुए रहते हैं और फिर मर्डर कराते हैं। फिर इनको धरना जब दिया जाता तो ये रोकथाम करते हैं और ये उस पार्टी से मिले हुए हैं। पुलिस को दबाव में जाके कहते हैं हम यहाँ के हक देते हैं और पुलिस को दबा के फाइनल रिपोर्ट गलत रिपोर्ट पर नहीं करने देते कार्रवाई। कौन सी पार्टी से मिले? समाजवादी, सब पार्टी से मिले। समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, वो कांग्रेसी सब मिले हुए हैं। बीजेपी के आने से मेरी कार्रवाई आगे को बढ़ी है। ये नजारत होते हैं मेरा बड़ा भाई और उसकी लड़की सबरीन। मेरा का मकान का वो चल रहा है मुकदमा इलाहाबाद में, नजारत हुसैन का फिर चल रहा है नजारत का मकान का। और कब्रिस्तान में भी मेरे साथ रहता है वो। और ये बड़ा भाई है, ये अपना आपको दिखाता है अदालत में, दिखाता बड़ा छोटा दिखा के नगर पालिका में नौकरी करता असलम हुसैन। और दरगाह का फर्जी रजिस्ट्रेशन बना के इन्हें रजिस्ट्रेशन कराया। मेरे सब दरखास्त दी, मैंने कार्रवाई हो रही है, मैंने अभी नहीं देखा उनको। मुझे तो अभी मैं पीरजादे में मिर्जा आलम बेग के वहाँ सोचता हूँ, इमाम बाड़े में घर पे से मैं हटा हूँ, मुझे जान का खतरा है मेरे। मैं मानता हूँ जो करने वाले भी वही हैं और करवाने वाले भी हैं। हाँ तो वही है, मैं दरखास्त देता हूँ, अपने चाचा के लड़कों को नाम भी देता हूँ, समाजवादी वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेसी। मेरा नाम सूफी जवाद हुसैन अहले बैती। ये नागफनी थाना क्षेत्र में आज अभी आधा घंटा पहले पता चला था कि यहाँ पे दो लोगों की डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे जब पुलिस आई और बॉडी को देखा गया तो उसमें एक पुरुष है और एक महिला है जो उनकी बेटी है। एक छोटा सा कमरा है जो संभवतः किराए पे ले करके ये लोग रहते थे और अंदर गली है, ताला अंदर से बंद था, जाने का कोई रास्ता ऐसे नहीं दिख रहा था कि किधर से इसमें जाए, काफ़ी पतली सी गली है। और प्रथम दृष्टया जो चूँकि विजिबल है बॉडी पे जो इंजरीज हैं उससे देख के लग रहा है कि काफ़ी रजिस्ट किया गया है और घाव इतने ज़्यादा हैं कि कुछ उसके पीछे जो भी वजह उस चीज़ की हम लोग जाँच करेंगे। और प्रथम दृष्टया हत्या का मामला है जी। नहीं, ये देखने में लग रहा है कि चूँकि बहुत ही ऐसी फैमिली है कि कोई इतना सामान घर में नहीं है, कुछ वहाँ पे क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है बनाने के लिए कि किसी और तरफ डाइवर्ट हो, लेकिन जो छोटे हैं और जो सारी परिस्थितियाँ बता रही हैं उससे कुछ और चीज़ों की तरफ इशारा हो रहा है, जल्दी वर्कआउट होगा कैसे। अभी हम लोग जाँच कर रहे हैं, कुछ तथ्य मिले हैं पहले भी। प्रॉपर्टी डीलर का तो नहीं पता चला कि कोई पुराने घर या कोई किराए पे देता था या बेचता खरीदता था, उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, उस बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। अभी हम सारे तथ्यों की जांच करेंगे इस चीज़ में, अभी तो घटनास्थल पे आए हैं और सारी परिस्थितियां देखी जा रही हैं, निश्चित रूप से जल्दी। अभी मैंने बताया, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी आकर के हम लोगों ने क्राइम सीन देखा है तो इसका बिंदुवार तरीके से इसकी समीक्षा की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो चीज़ होगा उसमें सामने आएगी। धन्यवाद।